तो दोस्तों दिल्ली के द्वारका एरिया में द्वारका उत्सव मेला लगा हुआ है, जिसमें कि बहुत ही बड़ा मेला और काफ़ी सारे झूले इसके अंदर इंक्लूड हैं, और साथ में बहुत ही अच्छा एक फिश एक्वेरियम बनाया गया है जिसमें कि आपके बच्चे और आप काफ़ी ज़्यादा आनंद कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दुनिया भर की कई प्रजाति फिश यहाँ पर आपको दिख जाएगी। दोस्तों तो चलिए चल के एक्सप्लोर करते हैं इस मेले को पूरा। दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं द्वारका के सेक्टर 10 एक्वेरियम में। बेसिकली वहाँ एक्वेरियम में हम लोग आपको दिखाएंगे एक्वेरियम क्या मतलब मेला लगा हुआ है, ठीक है। उसमें एक्वेरियम है, फीस वगैरह भी दिखाएंगे आपको। अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। और पार्किंग का कोई चार्ज अभी तक लिया नहीं है, ठीक है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, अभी आपको और दिखा देंगे। साथ में आइए मेरे पूजा, ठीक है। और चलते हैं हम लोग सीधा अंदर, आपको मिलते हैं। सब ये पूरा पार्किंग एरिया देख सकते हो, कितनी बड़ी पार्किंग है। और सामने देख लो वो मेला लगा हुआ। बात करें फिश एक्वेरियम की जो टिकट प्राइस की, तो वो होने वाला है मंडे टू फ्राइडे 100 रुपये और सैटरडे टू संडे 150 होने वाला है। दोस्तों तो ये देख सकते हैं सामने पूरा फिश एक्वेरियम का वो बनाया गया है, लोगों बनाया गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एंट्री टिकट चेक होगी। अंदर जैसे ही आप जाएंगे भाई, तो काफ़ी बड़ा टनल बना हुआ है जिसमें कि छोटे छोटे फिश टाइम के बनाए गए हैं, जिसमें के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ रखी गई। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बिल्कुल मछलियाँ हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। देख सकते हो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल आओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देख सकते हो लाल कलर की, पीले कलर की, कई तरह की मछलियाँ यहाँ पर है भाई, देखो, ठीक है। और ये देख सकते हो इसको लैबस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये केकड़े की तरह प्रजाति होती है इसकी, ठीक है। तो कितने प्यारे लग रहे हैं बिल्कुल, मतलब अलग अलग कलर के हैं भाई बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इसको देख के फिर सीधा हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी मछली होने वाली। काफ़ी सारे यहाँ पे फिश टैंक के बनाए गए हैं और टनल के अंदर पूरा ये बनाया गया है, तो काफ़ी सारी मछली यहाँ पे है भाई, ठीक है। कम से कम आपको आधा एक घंटा लग जाएगा भाई घूमने में। और देख सकते हैं ये बिल्कुल रेड कलर की कितनी प्यारी मछली है, ठीक है। वाइट कलर की भी मछलियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी तरह की मछलियाँ हैं। कुछ नाम तो इसका मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ भाई, ठीक है। तो भाई साहब अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं कि और कौन कौन सी फिश होने वाली। देख सकते हो ये ब्लैक कलर की फिश है, ठीक है। देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, सारी ब्लैक कलर की फिश है, लेकिन थोड़ा सा जगह इन लोगों को थोड़ा सा कम दिया गया है कि ये सही से तैर नहीं पा रही भाई। इनकी आँखें देखो कैसी कैसी आँखें हैं भाई, ठीक है। और बेसिकली मैं बता दूँ, ये 31 तारीख तक पूरा मेला लगने वाला भाई, ठीक है। तो 31 तारीख से पहले पहले, मतलब 31 मार्च से पहले पहले आप लोग इस पूरे फिश एक्वेरियम को आप घूम लो भाई, ठीक है। और पूरे मेले घूम लो, इसके बाद हम लोग चलेंगे पूरा फिश एक्वेरियम देखने के बाद हम लोग चलेंगे पूरे मेले को एक्सप्लोर करेंगे भाई। तो वहाँ भी काफ़ी सारे शॉपिंग करने के सामान मिल सकते हैं। ये देख सकते हो ये भी अलग टाइप की टाइगर फिश बोल सकते हैं इसको, देखो टाइगर फिश भी इसके अंदर है, ठीक है। टाइगर की तरह जैसे उनके बॉडी पर निशान होते हैं उस तरह का बना हुआ भाई। तो भाई साहब देख सकते हो ये भी एक ब्लैक कलर की फ़िश है और बहुत ही अलग टाइप की है भाई, ठीक है। मैंने कभी नहीं देखा ये फ़िश को, अगर आपने देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका नाम ज़रूर बताना भाई, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका नाम, बाकी बहुत ही प्यारी लग रही है भाई, इसमें कैट फिश टाइप की लग रही है ये तो। ये देख लो भाई, ये भी अलग तरह की फ़िश है कुछ, इसके मुंह बहुत लंबे लंबे हैं भाई, चोंच बिल्कुल लंबी लंबी सी लग रही है, और अलग ही तरह की फ़िश है ये बिल्कुल, मतलब उसकी बॉडी पे देख सकते हो कैसे तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। काफ़ी एट्रैक्टिव लग रही है, तो ये भी देख सकते हो। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर फ़िश हैं, ठीक है। नाम तो नहीं पता भाई, उतना मुझे फ़िश के बारे में नॉलेज नहीं है, बट देखने को भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में।
ये देख सकते हो, ये मुझे बिल्कुल पेपर टाइप की फ़िश लग रही है। पेपर टाइप की जो फिश होती है बिल्कुल पतले पतले फिश लग रही है बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बट बहुत ही एट्रेक्टिव लग रही है भाई। भाई साहब यहाँ पे आप ज़रूर आओ, अपने बच्चों को ज़रूर लेके आओ, काफ़ी कुछ उनको देख सीखने को मिलेगा और नई प्रकार की जो भी उन्होंने फ़िश नहीं देखी है वो सारी फ़िश यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई आपको। एंट्री फीस भी कम है, 100 रुपये है, ठीक है। आप आ सकते हो वीकडे में, वीकेंड पे तो 150 रुपये फ़ीस है ये भाई, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे। ये लग रही मुझे थोड़ी सी आर्टिफिशियल टाइप की, बट ये मछली भाई जेन्युइन है, ठीक है। देख सकते हो कितना प्यारा मुंह इसका है, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक की रखी हुई है, बट ये फ़िश है भाई, रियल की फ़िश है। तो भाई साहब अभी तक आपने छोटी छोटी मछलियाँ देखी थी, अभी बेसिकली हम लोग दिखाएंगे आपको सबसे मेन अट्रैक्शन। ये देख सकते हो, ये है यहाँ का फिश एक्वेरियम का मेन अट्रैक्शन पॉइंट, जहाँ की आपको अभी छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही है। अभी आगे चल के आपको बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखने वाली भाई, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मछली, काफ़ी अच्छा बनाया गया टनल। यहाँ पर आके लगता है कि हाँ भाई हमारा पैसा वसूल हो गया, ठीक है। बाकी तो छोटी छोटी दिख रही थी आपको, अभी देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मछली आपको सामने दिखेगी भाई।
तो भाई साहब अभी हम लोग फिश एक्वेरियम से बाहर आ चुके हैं, जो कि हम लोग अभी मेनली मेले में आ चुके हैं। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको खरीदने के लिए सामान मिल जाएंगे। ठीक है, आपको घर से रिलेटेड और खाने पीने के लिए सब चीज़ मिल जाएगा। झूले भी काफ़ी जगह यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप झूला झूलने जाते हैं तो झूल सकते हैं। 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के झूले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई झूलने को। देख सकते हैं यहाँ पे इयर रिंग वगैरह भी मिल जाते हैं, और साथ में खाने पीने के लिए राम लड्डू वगैरह जो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं भाई। खाने के लिए काफ़ी सही टेस्ट मिल जाते हैं इसके। तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे पूरे फूड स्टॉल लगे हुए हैं, आपको राम लड्डू से लेकर पेप्सी से लेकर छोले भटूरे से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साइड में आपको देख सकते हो यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ खरीद भी सकते हो यहाँ से। स्मोक बिस्कुट भी देख सकते हो यहाँ पे सामने। तो ये देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे आइटम मिल रहे हैं, जो कि स्टेशनरी से लेकर बच्चों के खेलने कूदने के लेकर और घर में सजाने के लिए सारा कुछ आइटम मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए खरीदारी कर सकते हो। देख सकते हो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये 100 रुपये तक का इनके पास सामान मिल जाएगा भाई। ये देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं, छोटे छोटे चाइनीज़ पंखे, डायनासोर और मुखौटे वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। आपको गाड़ी भी मिल जाएगा बच्चों के खेलने के लिए, और स्कूल बैग से लेकर पर्स तक सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई। तो अगर आप परचेज़ करने जाते हो तो यहाँ परचेज़ भी कर सकते हो, सही प्राइस पर दे देंगे। बार्गेनिंग थोड़ा ज़रूर कर लेना भाई। और यहाँ पे घर के यूज़ के डेली यूज़ के लिए भी सामान को मिल जाएगा, जैसे कि मैजिक टॉवल वगैरह और वाइपर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा भाई। काफ़ी एडवांस टाइप के यहाँ पे सारे गैजेट टाइप्स के आपके घर के सामान मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक बार ट्राई कर लें, ये भी अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे भाई, 50 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक का। और साथ में देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी वाले झूले भी हैं। ठीक है, बोटिंग, बेसिकली इसको बोटिंग बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे झूलने के लिए, जो कि आपको 80 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगेगा भाई। ठीक है, 5-6 मिनट आपको बच्चों को घुमाएंगे ये। अभी हम लोग आ गए हैं सीधा झूले वाले एरिया में। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग वगैरह है और काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले भी हैं और बड़े बच्चों के लिए झूले भी हैं भाई। 80 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है, 50 रुपये तक का भी छोटे बच्चों के लिए 50 रुपये का झूला प्राइस है, बाकी 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का पूरा प्राइस यहाँ पे झूले के हैं भाई। देख सकते हो ये छोटे बच्चों के मिकी माउस टाइप के झूले बने होते हैं वो भी हैं यहाँ पे, और देख सकते हो पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ बिक रहा है, और काफ़ी सारे झूले यहाँ पे लगा रखे हैं भाई। अगर झूले के शौकीन हो तो यहाँ इस वाले पोर्शन में आप आके इंजॉय कर सकते हो। भूत बंगला भी सामने बना है, वो भी दिखा दूंगा आपको भाई। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े झूले भी लगे हुए हैं, ये बेसिकली बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे भी झूल सकते हैं। बाकी भैया मैं रिकमेंडेड ये करूँगा कि 15 साल से ऊपर के बच्चे ही इसमें झूले, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये थोड़ा सा जाके डरना हो जाता है भाई, मतलब काफ़ी कॉम्पिटेटिव झूला है। ठीक है, डर लगेगा आपको। देख सकते हो ये भी झूला है, काफ़ी बड़े बड़े झूले हैं, पूरे लाइटिंग से यहाँ पे सजाया हुआ है भाई। ठीक है, तो वही बात है कि 31 तारीख तक ये पूरा मेला चलने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आ जाओ अपने फैमिली के साथ। भूत बंगला भी इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो भाई। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छी सी वीडियो डालते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, टाटा, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।